हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजू का किचन घर। आज मैंने मिनी पिज़्ज़ा बनाया है और ये पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है। इसे मैंने माइक्रोवेव में भी नहीं बनाया, ओवन में भी नहीं बनाया है। इसे हमने जो जलेबी बनाते हैं ना, उसी तई में हमने बनाया है। और इसको बनाने के लिए हमने कोई पिज़्ज़ा बेस का भी यूज़ नहीं किया है। नॉर्मल हमने कैसे बनाया है वो आप देखिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमने ब्रेड लिया है। ब्रेड तो हर वक्त घर में अवेलेबल होता है, ब्रेड रहता है तो पिज़्ज़ा जब आपका मन हो तब आप बनाकर खा सकते हैं। इसे गोल शेप देने के लिए हमने कटोरी का यूज़ किया है, लेकिन आप कटोरी, कटर या ढक्कन किसी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से ये गोल कटिंग हो गया है। आप इस पिज़्ज़ा को ज़ोर से बनाइएगा, इसे बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। आपका जब मन हो तब आप बना लीजिए। घर में कोई गेस्ट आए तो भी आप इसे तुरंत बना सकती हैं, इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी मैं जो रेसिपी बताती हूँ वो सामान सब घर में अवेलेबल होता है। अब इस ब्रेड को आप फेंकिएगा मत, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। ब्रेड क्रम्स का बहुत सारा यूज़ होता है। ये हमने टमाटर को चॉप्ड कर लिया है और ये शिमला मिर्च है, सबको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च आपका मर्जी हो तो दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। ये प्याज है, प्याज को भी हमने काट लिया है। वैसे हमने प्याज काटा नहीं है, इसके एक एक परत को हमने निकाला है। और ये कॉर्न है, कॉर्न को हमने थोड़ा सा बॉयल कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और ये थोड़ा सा हमने ऑरिगेनो डाला है और अब ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और सबको अब मिक्स कर लेना है। इसे आप बनाइएगा, बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में। इसे मैं बिल्कुल पिज़्ज़ा के जैसे बनाऊंगी, इसलिए आप जो ऐसा पिज़्ज़ा खाते हैं बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। अब सारे ब्रेड को हम एक एक करके अलग अलग करके फैला देंगे और इसमें हम बटर लगाएंगे। ये बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा, आप इसे ज़ोर से एक बार बनाकर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके ज़ोर से बताइएगा कि आपने बनाया तो कैसा बना। सारे में हमने बटर लगा दिया है। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये मार्केट का रेडीमेड सॉस है, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहें तो वो भी मैंने बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसे देखिएगा और फिर घर में बना लीजिएगा। अब सारे ब्रेड पर मैं पिज़्ज़ा सॉस को फैलाऊँगी। इस पिज़्ज़ा सॉस को लगाने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए सारे पर हमने पिज़्ज़ा सॉस फैला दिया है। अब जो वेजिटेबल हमने काट के रखा था उसे हम सब पर फैला देंगे, सब पे थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है आप हमें ज़रूर से बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बना कर लाती हूँ। आप लोगों का जब अच्छा अच्छा कमेंट मिलता है, हमें लाइक मिलता है, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई और फिर मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। अब इस पर मैं मोज़रेला चीज़ फैला रही हूँ। आप मोज़रेला चीज़ फैलाइएगा या फिर आप नॉर्मल चीज़ जो होता है उसे भी इसके ऊपर डाल सकती हैं। सारे पर हमने चीज़ भी फैला दिया है और अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी डालूंगी, जिससे ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। मैं आपके साथ एक एक स्टेप शेयर करती हूँ ताकि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको उसका जवाब दूँगी। अब इसे बनाने के लिए हमने कोई माइक्रोवेव, ओवन या तवा का यूज़ नहीं किया है। ये मैंने चपटी वाली कढ़ाई लिया है, जिसमें हम जलेबी बनाते हैं ना वही चपटी वाली ये कढ़ाई है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। और अब इसे हम थोड़ा देर के लिए इसे हम कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा है, 2 से 3 मिनट हमने कवर करके रखा था और अब हमने कवर हटा दिया है। ये बन के तैयार हो गया है, अब इसे हम सर्व करेंगे। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और आप इसका मज़ा लेने के लिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बस अब ये आपके मुंह तक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे देखिए हमने प्लेट में सर्व कर दिया है। बच्चे तो आके खड़े हो गए हैं कि अब कब मुझे खाने मिलेगा। देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा ये बन के तैयार हुआ है। आप भी इसे फटाफट बना लीजिए और इसका मज़ा लीजिए, खुद भी लीजिए, बच्चों को भी दीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। कितना सुंदर, कितना अच्छा बना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।